मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका आज बहुत हर्षोल्लास के साथ में, आगरा के हृदयम हॉस्पिटल के साथ में एक सहमति करने जा रहा, जिसके तहत महीने के दूसरे मंगलवार को हृदय से संबंधित रोगों के लिए ओपीडी आगरा में शुरू की जाएगी। हम डॉक्टर दीपक अग्रवाल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मणिपाल हॉस्पिटल के साथ में यह एग्रीमेंट किया है, और हम निश्चित रूप से आशावान हैं कि आगरा और उसके आसपास के तमाम शहरों और गांवों के जनमानस को इस सुविधा से निश्चित रूप से लाभ होगा। इस विषय पर हमने आज गहन रूप से संवाददाताओं से चर्चा की और जानकारी दी है, और उसी के तहत हम फिर से ये कोशिश करेंगे कि ये मुहिम जितनी जल्दी शुरू हो सके हो। धन्यवाद। कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ हृदय हॉस्पिटल में हूँ। हमारे यहाँ आज मणिपाल हॉस्पिटल से कोलैबोरेशन हुआ है, और हर महीने के दूसरे मंगलवार को डॉक्टर जुगल किशोर मिश्रा, जो कि काफ़ी सीनियर कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, वो यहाँ आएंगे अपने और दूसरे साथी के साथ में, और अपने जो है वो सेवाएं देंगे ओपीडी के रूप में। जिन भी मरीजों को कार्डियोथोरेसिक सर्जन की आवश्यकता है, यानी कि जिनको बाईपास की ज़रूरत है, वॉल रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, या और बहुत सारी सर्जरियाँ जो हार्ट की होती हैं उनकी ज़रूरत है, वो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या जिन्होंने सर्जरी करा रखी है वो भी जो है उनको किसी तरीके की दिक्कत हो रही है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे अस्पताल में नई चीज़ शुरू हो रही है, हर महीने के दूसरे मंगलवार को सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 2 बजे तक वो उपलब्ध रहेंगे, और उनकी सेवाएं जो है वो अपने कंसल्ट करके, और फिर जिस भी तरीके का निर्णय होगा, अगर कोई मरीज को ज़्यादा दिक्कत है, सर्जरी करानी है, तो मणिपाल हॉस्पिटल में वो हर दिन अवेलेबल हैं, जो दिल्ली में हैं, द्वारका में, वहाँ पे वो अवेलेबल है, उनसे जाके वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं।